सो so, यहाँ पर बेटे जो हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इन सारी कंट्रीज की तो उसमें हम चार पैरामीटर्स जब yeah. भी व्हेनेवर वी मेक कंपैरिजन वी मेक कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स नो मेरे को आके मैम पूछे कि भई आपकी क्लास का कौन सा बच्चा अच्छा है मैं बोलूंगी मैम किस में कह रहे हो स्पोर्ट्स में कह रहे हो एकेडमिक में कह रहे हो है ना या ओवरऑल कह रहे हो या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कह रहे हो यानी डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर ही मैं कंपैरिजन कर सकती हूँ ठीक है इसी तरह से इन तीनों कंट्रीज इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान इनका हम कंपैरिजन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर पैरामीटर्स फर्स्ट जीडीपी ग्रोथ रेट मेक सेंस कौन सी कंट्री का ग्रोथ रेट कितना है ठीक जीडीपी ग्रोथ रेट के बेसिस पर करेंगे सेकेंडली सेक्ट sec क्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट यानी कौन सा सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सिमिलरली सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कह लो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कितने परसेंट लोग प्राइमरी में एंगेज हैं कितने सेकेंडरी में और कितने टर्सरी से उससे भी हमें उनके डेवेलपमेंटल स्टेज के बारे में पता चलेगा थर्ड पैरामीटर इज डेमोग्राफी What is demography? Ha, demography word kya demographic profile means. Ha, features related to population. Demographic profile means features related to population, birth rate, death rate, literacy rate, infant mortality rate, and so on. Deke. Then fourth, on the basis of human development. ह्यूमन डेवलपमेंट एक इंडिकेटर है ठीक है सो so, इन चार इंडिकेटर्स के बेसिस पर हम इनको कंपैरिजन इन सबका करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट हैव बीन द डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान बिफोर मेकिंग कंपैरिजन लेट अस स्टडी के ये जो तीन कंट्रीज हैं इनका डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज इन्होंने कौन-कौन सी फॉलो करी हैं बेटे इंडिया ने 1951 में 1947 में हमें आजादी मिली 47 सेवन टे 50 हमने कुछ यू you नो know, हमारे लीडर्स ने प्लान किया सोचा इसके बारे में कैसे हमने कंट्री को डेवलप करना है आगे लेके जाना है सो so, 1951 फिफ्टी में वी एडॉप्टेड फाइव प्लान्स ठीक है हमने रशिया के साथ हमारी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी रशिया को हमने देखा वो डेवलप्ड कंट्री थी हमने देखा उसने कैसे डेवलपमेंट अचीव की है तो समझ में आया कि उसने प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग का रास्ता चुना है सो अवर लीडर्स ऑल्सो एडोप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग फाइव ईयर प्लान हमने स्टार्ट किए नाइनटीन पता है आप सबको है ना तोयर प्लान नाउ हैव

पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट ही एंटरप्राइजेस को सेटअप एंड रन कर सकती है क्लियर ओके सेकंड रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर अब जब हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक पैटर्न था एक प्राइवेट सेक्टर था दूसरा पब्लिक सेक्टर था पब्लिक सेक्टर इंटायरली अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट था तो हमें यह लगता है कि प्राइवेट सेक्टर वुड बी फ्री टू डू एनीथिंग ऐसे ही लगता है बट ऐसा नहीं था अवर प्राइवेट सेक्टर वॉज ऑल्सो रेगुलेटेड It was sought to be controlled, restricted, and regulated. You know, several types of restrictions were there on foreign investment also. So private sector there was a system of licensing. There was restrictions on the import of capital goods. There were restrictions on the foreign investment. So it was regulated. Then third is economic reforms. बेटे 1990 तक तो ऐसा ही चला कैसा चला मिक्सड इकोनॉमिक पैटर्न चला विद द मेजर ऑन पब्लिक सेक्टर इट वाज टू प्ले प्राइमरी रोल एंड प्राइवेट सेक्टर वाज टू प्ले ओनली सेकेंडरी सोल रोल एंड इट वाज हाईली रेगुलेटेड बट अब 40 डिकेड्स तक आप यही कुछ करते आ रहे हो कोई चेंज नहीं ला रहे हो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ आवर चेंज वॉज नीडेड बट यू डिड नॉट ब्रिंग द चेंज सो वॉट हैपन अवर इकॉनॉमी वेंट इन टू क्राइसिस से उभरने के लिए हम वर्ल्ड बैंक के पास गए वर्ल्ड बैंक से हमने लोन मांगा वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन देने को रिफ्यूज कर दिया एड नहीं दी कहा अपनी इकॉनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आओ तो आपकी इकॉनमी रिवाइव करेगी तभी मैं पैसे दूंगा सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बाय द नेम ऑफ एल पी जी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन देवर इंट्रोड्यूस्ड दिस मॉडल एम्फोसाइज इज ग्रेटर रोल फॉर द प्राइवेट सेक्टर कंट्रास्ट हो गया ना बिल्कुल उसमें मेजर रोल किसका था पब्लिक का इसमें किसका मेजर रोल है प्राइवेट सेक्टर का देन लार्जर क्टिटी ऑफ एफ डी आई टू सप्लीमेंट अवर ग्रोथ प्रोसेस यहां पर प्लानर्स ने माना अगर आपको ग्रोथ प्रोसेस सप्लीमेंट करना है तो यू हैव टू एम्फोसाइज ऑन द रोल ऑफ फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां तक क्या था एफ डी आई रिस्ट्रिक्टेड थी यहां पर एफ डी आई को प्रमोट किया जाने लगा देन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी, यानी ऐसी स्ट्रेटजी जिसमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए एज अगेंस्ट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी बिफोर नाइनटीन नाइनटी वी आर फोकसिंग ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब हम कहते थे इंपोर्टेड गुड्स नहीं खरीदने इम्पोर्ट कर रहे हो छोड़ो इसके हम सबस्टिट्यूट घर में बनाएंगे हमें इम्पोर्ट अगर हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे तो हमसे एक्सपोर्ट कौन लेगा सीधी सी बात है ना सो नाउ वॉट वॉज मतलब वी वर फोकसिंग ऑन सेविंग अवर फॉरन एक्सचेंज अब यू टर्न आया अब हमने कहा फॉरन एक्सचेंज सेव नहीं करनी ऑर्न करनी है वो कैसे ऑन होगी एक्सपोर्ट बढ़ा के सो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटजी वॉज फोकस्ड गवर्नमेंट का रोल काफी ज्यादा कम किया गया और प्लानिंग का रोल भी कम किया गया अल्टीमेटली प्लानिंग को डिस्कार्ड कर दिया गया ठीक है ओके सो दिस वॉज अबाउट इंडिया कमिंग टू पाकिस्तान पाकिस्तान को भी इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंस मिली या इट केम इन टू एग्जिस्टेंस ठीक है सो मिक्सड इकोनॉमिक पैटर्न वॉज एडॉप्टेड इन पाकिस्तान एज वेल सेम डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है इनकी मोर लेस पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर भी पाकिस्तान प्लानिंग इन द ईयर 1956 हमने कब स्टार्ट की 51 में पाकिस्तान ने स्टार्ट की 1956 में देन देर वॉज ए रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क पाकिस्तान एडॉप्टेड रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन 1950s और 1960s तक पाकिस्तान का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था दैट वाज़ रेगुलेटेड इट ग्रांटेड टैरिफ प्रोटेक्शन टू दी डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री क्या मतलब जो पाकिस्तान की कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी जैसे कि शुगर इंडस्ट्री है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री है इसको उसने टैरिफ प्रोटेक्शन दी टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब नहीं दैट इज तो कोटा बेटे टैरिफ मींस ड्यूटी तो टैरिफ प्रोटेक्शन का मतलब अगर कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करता था तो उसके ऊपर हाई ड्यूटी लगा दी जाती थी समझ में आया तो एज अ रिजल्ट वो इंपोर्टेड गुड इंडियन पाकिस्तान मेड गुड से महंगा रहेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे अगर आप ये प्रोटेक्शन नहीं दोगे और इंपोर्टेड गुड आ गया पाकिस्तान में जो कि सस्ता है तो लोग इंपोर्टेड गुड खरीदना शुरू कर देंगे डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी यस yes, ठीक है सो so, कैसे बचाया गया उसको डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को टैरिफ प्रोटेक्शन से क्लियर टैरिफ प्रोटेक्शन वॉज ग्रांटेड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री इट ऑल्सो इम्पोज डायरेक्ट इम्पोर्ट कंट्रोल डायरेक्ट इम्पोर्ट कंट्रोल भी इम्पोज कर दिए गए मतलब जैसे कि एक पॉलिसी बना दी इन चीजों का इंपोर्ट अलाउड नहीं है ठीक, फिफ्टीज और सिक्सटीज तक इसकी जो पॉलिसी थी दैट वॉज रेगुलेटेड वन देन ग्रीन रेवल्यूशन पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवल्यूशन आई जिसके करके यू नो मैकेशन बढ़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ी और फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन बढ़ गई इससे जो एग्रेरियन सेक्टर था उसमें ड्रामेटिक चेंज आया पहले जो किसान था उसको हम कहते थे किसान ये खेती बाड़ी करता है अच्छा ये तो गरीब ही होगा बट विद ग्रीन रेवोल्यूशन जो किसान थे फार्मर्स थे इनकी पर कैपिटल इनकम में काफी राइज आया देन देस दॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन एंड डी नेशनलाइजेशन इसको ध्यान से समझिए आप ओके जस्ट गिव गिवी मिनट पॉलिसी ऑफ नेशनलाइजेशन एंड डी नेशनलाइजेशन है जब हम लोगों को कहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी हम नेशनलाइज कर लेते हैं यानी कि उसको गवर्नमेंट ओनरशिप में ले लेते हैं जैसे आपने अभी सुना कि एयर इंडिया हैज सोल्ड ऑफ टू टाटा एंड यू पीपल मस्ट हैव नाउ कम टू नो दैट अर्लियर इट ऑपरेटेड बाय टाटा सो हाउ इट वेंट ऑफ वेंट ऑफ टू गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास कैसे चलेगी नेशनलाइजेशन की थी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने कहा एयरलाइंस प्राइवेट सेक्टर में नहीं रहेगी एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट दैट एयरलाइंस। सो नेशनलाइजेशन में ऐसा ही होता है जब भी नेशनलाइजेशन की जाती है तो जो प्राइवेट सेक्टर के पास होता है उसको पब्लिक सेक्टर के अंदर ले आ, ले जाया जाता है ठीक है सो so, पाकिस्तान में क्या हुआ नाइनटीन में कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज किया गया समझते हो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मशीनरी मेकिंग इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील सीमेंट है ना इंजीनियरिंग गुड्स इंडस्ट्रीज ऑल दीज आर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इनको नेशनलाइज किया गया 1970s में, लेकिन लेट फिर से गवर्नमेंट पॉलिसी में शिफ्ट आया अब गवर्नमेंट ने डी की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली डी नेशनलाइजेशन मीन्स अगेन इट वॉज गिवन टू द प्राइवेट सेक्टर ठीक है सो प्राइवेट सेक्टर को दिया पाकिस्तान ने इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्री से भी काफी असिस्टेंस मिल रही थी ठीक है वेस्टर्न कंट्रीज वर असिस्टिंग यू पाकिस्तान बाय गिविंग दम फंड सो मोर ओवर पाकिस्तानी काफी वर्कर्स मिडल ईस्ट कंट्रीज में दुबई सऊदी अरेबिया वहां जाकर काम कर रहे थे वहां से भी उनको काफी रिमिटेंसेस आ रही थी सो so, इस टाइम पे गवर्नमेंट ने भी प्राइवेट सेक्टर को काफी इंसेंटिव देने शुरू कर दिए सो so, इससे कंट्री की ग्रोथ स्टूमुलेट हो गई पाकिस्तान स्टार्टेड ग्रोइंग फैक्टर्स बता दिए नेशनलाइजेशन डी नेशनलाइजेशन कर दी प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिली वेस्टर्न कंट्रीज से मिडल ईस्ट कंपनी से बेटे आपके घर का कोई मेंबर बाहर चले जाएगा और आपको वहां से पैसे भेजना शुरू कर देगा तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी ना सेम पाकिस्तान ठीक है सो सो एक नया कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट हो गया न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए you know? एम एन सी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इवन इन पाकिस्तान सो नाइनटीन में इंडिया में कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे अब क्या याद रखना है पाकिस्तान में इंडिया से पहले आए थे कौन से ईयर में 1988 में सो लिबरलाइजेशन स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट ये रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए 1988 के बाद वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया ठीक है पाकिस्तान में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर्ल्ड बैंक के कहने पर ही आए थे ठीक है सो इंडियन पाकिस्तान में बोथ रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शन बाय दी वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्लियर कमिंग टू चाइना चाइना में बेटे पहले ही बताया वन पार्टी रूल था मायो की गवर्नमेंट थी पब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश इन दर नाइनटीन फोर्टी ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनमी ऑल द लैंड अवेलेबल इन द कंट्री वाज ओन्ड एंड ऑपरेटेड

देन अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जिसको हम जी एल एफ ग्रेट का मतलब पता है आपको लीप जंप जम्प बिग जंप फॉरवर्ड आगे की तरफ एक जंप लगाना ठीक है ये कैंपेन 1958 में चाइना में स्टार्ट किया गया जीएलएफ इसकी एम थी कंट्री को लार्ज स्केल पे इंडस्ट्रियलाइज करना इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री ऑन अ लार्ज व्हाट वाज दिस कैंपेन इस कैंपेन में गवर्नमेंट ने कहा लोगों को इनकरेज किया घर में खाली जगह पड़ी है कोर्टयार्ड है कोर्टयार्ड में फैक्ट्री बनाओ कुछ भी प्रोडक्शन करो सो पीपल वर इंकरेज टू set up एंटरप्राइजेस और डू प्रोडक्शन इन देयर होम्स homes courtyard ठीक है सो इन दिस वे इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने कहा बढ़ेगी अपने जो बैकयार्ड में घर के पिछवाड़े में घर के आंगन में फैक्ट्रियां खोलो ठीक है और एग्रीकल्चरल सेक्टर में उन्होंने कम्यून सिस्टम एडॉप्ट किया कम्यून सिस्टम क्या होता है जैसे इंडिविजुअल फार्म्स छोटे छोटे हैं उनको कलेक्टिव इकट्ठा कर दिया ठीक है so, सो उन्होंने लोगों को बोला इसको इकट्ठे को इसकी जो आपकी दीवारें हैं ना फार्म की ये मेरा फार्म है ये आपका फार्म है ये तीसरे बंदे का फार्म है हम अपने अपना काम कर रहे हैं गवर्नमेंट ने कहीं दीवारें तोड़ दो इकट्ठा हो गया लैंड इस इकट्ठे थे मिलके खेती बाड़ी करो ठीक है सो ट्वेंटी अब हम ये नहीं कहेंगे नंबर ऑफ फार्मर्स इतने थे क्या देखा गया नंबर ऑफ कम्यून्स कितने थे वन कम्यून वुड बी ओन्ड सो एज अ रिजल्ट ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड कम्यून वर देयर इन चाइना अब चाइना को कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी ग्रेटली फॉरवर्ड कैंपेन में अर्लियर uh, फेज में चाइना में एक ड्राउट आ गया सूखा पड़ गया थर्टी मिलियन पीपल डाइड सो दैट वॉज अ नेचर यू नो ब्लो देन बॉर्डर डिस्प्यूट रहा उसका रशिया के साथ सो so, जिसके करके रशिया ने अपने जो प्रोफेशनल्स थे वो चाइना से विदड्रॉ कर लिए चाइना में रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स भेजे थे जो कि चाइना को इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ट्रेन करने के लिए आए थे कैसे आप अपनी कंट्री में इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सकते हो तो जब चाइना और रशिया में बॉर्डर का डिस्प्यूट बढ़ा तो चाइना ने अपने प्रोफेशनल्स सॉरी रशिया ने अपने प्रोफेशनल्स चाइना से वापस बुला लिए देन ओके दैट्स इट वर वॉर प्रॉब्लम्स विथ चाइना फेस्ड थर्ड ग्रेट प्रोलेटेरियट कल्चरल रेवल्यूशन ग्रेट प्रोलेटेरियट कल्चरल रेवल्यूशन बेटे नाइनटीन में माओ सी ये चाइनीज नेम है आई माइट बी प्रनाउंसिंग इट इन अ रॉन्ग वे ठीक है माओ से टंग हुग मैन ऑफ चाइना स्टार्टेड अ कल्चरल रेवल्यूशन सो इस रेवल्यूशन में क्या हुआ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल देवर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम कंट्री साइड कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया आपकी एक साल की एडुकेशन कंप्लीट हो गई आ, तीन साल की सपोज करो आपकी एक साल की ट्रेनिंग है तभी आपको डिग्री मिलेगी तो चाइना ने कहा ये ट्रेनिंग आप रूरल एरिया में जाके करो जैसे अभी एमबीबीएस में कर रहे हैं पता आप लोगों को पांच साल की एमबीबीएस डिग्री के बाद एक साल की इंटर्नशिप होती है तो गवर्नमेंट ने कहा एक साल इंटर्नशिप आप रूरल एरिया में करो तो ही आपको डिग्री मिलेगी ये इंडिया में हम अब कर रहे हैं लेकिन उस टाइम पे माओ से टंग ने ग्रेट प्रोलेटेरिएट कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट की थी इसका पर्पस क्या था जो लोग कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे उनको बाहर निकाल फेंकना कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है ठीक है उसके जो अगेंस्ट थे कम्युनिस्ट मींस कलेक्टिव ओनरशिप सोशलिस्ट के अगेंस्ट थे उनको बाहर निकाल फेंकना सो अंडर दिस रेवल्यूशन ऑल दी प्रोफेशनल्स ऑल दी स्टूडेंट्स दे वर सेंट टू द रूरल फॉर ईयर सो अभी आज के टाइम पे देखे तो ये जो रेवोल्यूशन चली थी 1966 से लेकर 1976 तक चली थी आज के जो चाइन चाइनीज ऑफिशियल हैं वो इसको कंडेम करते हैं दे आर नॉट हैप्पी अबाउट वॉट हैपन इन देयर कंट्री दे कंडेम इट ओके देन बेटे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आपके हिसाब से चाइना में कब आए होंगे बाद में के पहले 1976 वाज़ द ईयर व्हेन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना बट फेजेस में आए इंडिया और पाकिस्तान की तरह उनको कोई ऐसे चाइना को कोई नहीं थी। चाइना ने अपने मन मर्जी से इंट्रोड्यूस किए क्योंकि वो जो नई लीडरशिप इस टाइम पे आई तो उसको अपनी कंट्री की स्लो ग्रोथ प्रोसेस में और मॉडर्नाइजेशन जो जिस तरह से हो रही थी दे वर नॉट हैप्पी विद दिस ठीक है सो दे इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इनिशियल फील्ड्स में रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया में आज तक नहीं आए एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म्स है ना चाइना ने सबसे पहले एग्रीकल्चर में फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड किए जो कम्यून सिस्टम स्टार्ट किया था वो खत्म कर दिया जो लैंड्स थे कम्यून लैंड्स थे उसको लोगों को अलॉट कर दिया गया पीपल वर अलॉटेड लैंड ठीक है स्मॉल प्लॉट टू दी इंडिविजुअल फॉर गिवन फॉर कल्टिवेशन लेकिन उनको इन प्लॉट के ओनरशिप राइट अभी भी नहीं दिए गवर्नमेंट ने अभी भी वो उसके ऊपर काम कर रहे ठीक है दीवारें खिंच गई मैं अपने खेतों पर काम करी हूं जितनी आउटपुट होगी मैं बेच के खुद पैसे रखूंगी लेकिन मैं इस लैंड को बेच नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इसकी ओनरशिप नहीं है किसके पास है ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ठीक ओके सो द कल्टीवेटर्स वर जस्ट परमिटेड टू कीप ऑल द फार्म इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस टू द गवर्नमेंट देन रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइवेट फर्म्स एंड कोऑपरेटिव्स वर अलाउड टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए पहले तो सोशलिस्ट थी पूरी की पूरी कंट्री इंडिविजुअल ओनरशिप थी नहीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर अब प्राइवेट फॉर्म्स को बोला कोऑपरेटिव्स को बोला आप अपना इंडस्ट्रीज खुद खोल सकते हो देन स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस वर मेड टू फेस कंपटीशन विद द न्यूली स्टेब्लिश प्राइवेट सेक्टर फॉर्म जैसे हम इंडिया में बोलते हैं ना पीएसयूज व्हाट आर पीएसयूज पब्लिक सेक्टर चाइना में क्या है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस एसओ स्टेट एंटरप्राइजेस इनको कॉम्पिटिशन करवाया गया प्राइवेट सेक्टर के साथ। पहले तो सब कुछ इनके पास ही था लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को बोला गया आप सेटअप कर सकते हो सो देवर मेक टू फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम न्यूली स्टेब्लिश प्राइवेट सेक्टर देन अडुअल प्राइसिंग सिस्टम डूल मीन्स टू डूल प्राइसिंग मीन्स एक कमोडिटी के अलग अलग प्राइसेस आप स्टेब्लिश कर सकते हो तो so, इसमें फार्मर्स और इंडस्ट्रियल यूनिट को बोलाय सेल फिक्स क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट ऑन द बेसिसिक्समेंट एंड रेस्ट दे कुट मार्केट प्राइसेस इनपुट है मेरे को अपनी फैक्ट्री के लिए इनपुट चाहिए तो गवर्नमेंट ने कहा Uh, आप फोर्टी परसेंट इनपुट गवर्नमेंट कंट्रोल रेट पे लोगे सिक्सटी परसेंट आपको मार्केट रेट पे मिलेगा इसी तरह आप अपनी आउटपुट जब बेचने जाओगे से फोर्टी परसेंट गवर्नमेंट के फिक्स रेट पे मिलेगी आपको सिक्सटी परसेंट आप मार्केट में जिस मर्जी रेट पे बेचिए डुअल प्राइसिंग समझ में आया बोथ इनपुट एंड आउटपुट की देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट एस इजेड टेंथ में भी पढ़ा होता है हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सेटअप टू अट्रैक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट ठीक है दैट सॉल्व फॉर टूडे आई वु